आइए आज हम लोग चक्रवात, जिसे अंग्रेजी में साइक्लोन कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चक्रवात उन चक्करदार हवाओं को कहते हैं जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब, लो प्रेशर और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब या हाई प्रेशर पाया जाता है और हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी के सुई के प्रतिकूल चलती है, या कह लीजिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक। और यही चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक। अब हम लोग, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि चक्रवात में पूरा आसमान बादलों से घिर जाता है, बहुत तेज आधी तूफान की तरह आता है, अपार धनजन की हानि भी होती है चक्रवात से, ठीक। अब आइए हम लोग प्रतिचक्रवात के बारे में देखते हैं कि प्रतिचक्रवात, जिसको हम अंग्रेजी में एंटी साइक्लोन कहते हैं, और प्रतिचक्रवात के केंद्र में हाई प्रेशर या उच्च वायुदाब और बाहर की तरफ लो प्रेशर या निम्न वायुदाब पाया जाता है, इसमें हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ चलती हैं और केंद्र से बाहर की तरफ चलती हैं, इसका मतलब ये घड़ी के सुई के दिशा के अनुकूल चलती हैं, या कह लीजिए प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक। और यही प्रतिचक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक। और प्रतिचक्रवात में मौसम साफ होता है, मौसम प्रतिचक्रवात में साफ रहता है और चक्रवात में साफ नहीं रहता है, ठीक। इस प्रकार से आज हम लोगों ने चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में अध्ययन किए। आज यहीं तक, धन्यवाद।